तो गाइस यार जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि भाई वाइस टाउन के अंदर आ चुका था एविल रॉप हीरो। वाइस टाउन में आने के बाद वो रॉप हीरो को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जब रॉप हीरो नहीं मिलता तो वो वाइस टाउन के लोगों को मारने लगता है। और एविल रॉप हीरो के साथ में एविल सुपर हीरो और एविल मटेंट भी आए थे, और एविल सुपर हीरो भी काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। और गाइस यार एविल मटेंट तो और भी ज्यादा पावरफुल था, वो टिप्सन की भी बैंड बजाने पहुंच जाता है। और अभी वो टिप्सन से रॉप हीरो के बारे में पूछता है, जब टिप्सन उसे ऐसा नहीं बताता वो टिप्सन को वहाँ पर ही मार डालता है। और अभी टिप्सन के घर पर पुलिस आ जाती है, लेकिन एविल मटेंट पुलिस वालों को भी मार डालता है। और इधर जब एविल रॉप हीरो को रॉप हीरो नहीं मिलता तो वो रॉप हीरो के मिलिट्री बेस पर हमला कर देता है। और इस हमले में उसके साथ एविल सुपर हीरो भी था, और एविल सुपर हीरो के साथ साथ एविल मटेंट भी मिलिट्री बेस के लोगों की बैंड बजा रहा था। और अभी रॉप हीरो को जैसे ये बात पता चलती है तो रॉप हीरो भागते हुए मिलिट्री बेस की तरफ आता है। और अभी रॉप हीरो के साथ में अच्छा वाला मटेंट भी उसके साथ आता है। और अभी एविल रॉप हीरो मिलिट्री बेस के बाहर खड़ा था कि तभी वहाँ पर रॉप हीरो पहुँच जाता है, और रॉप हीरो के साथ में वहाँ पर मटेंट भी उसके साथ ही खड़ा था। और अभी उन दोनों को देखकर एविल रॉप हीरो एविल सुपर हीरो और एविल मटेंट से उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसे चकमा देने के लिए रॉप हीरो भाग जाता है और जो मटेंट था वो दूसरी तरफ भागने लगता है। और अभी एविल रॉप हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो एविल सुपर हीरो को रॉप हीरो के पीछे और एविल मटेंट को असली वाले मटेंट के पीछे भेजता है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है, और उस पुलिस की गाड़ी के अंदर से कमिश्नर साहब बाहर निकलते हैं। और अभी एविल रॉप हीरो वहाँ पर अकेला खड़ा था, और कमिश्नर साहब उसे बंदूक दिखाकर बोलते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठो। और अभी एविल रॉप हीरो चुपचाप से जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, और अभी वो लोग उसे लाकर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके आगे क्या होता है। अरे यार इस रॉप हीरो ने तो हमारे बॉस को जेल के अंदर बंद करवा दिया। अरे आयाल तुम बिल्कुल चाही के ले हो, हम लोग इतने पावरफुल नहीं कि रॉप हीरो का सामना कर पाए। अरे हाँ यार अभी हम लोगों को कैसे भी करके अपने बॉस को जेल से बाहर निकलवाना होगा। अरे हाँ यार तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास एक बहुत गजब का आइडिया है, तुम मेरे पीछे आओ फिर तुम्हें बताता हूँ। अरे हाँ रुको मैं अभी तुम्हारे पीछे आता हूँ। अरे वाह यार अभी मैं अपनी टैक्सी को यहीं पर खड़ी कर देता हूँ, और जल्दी से जाके चिकन लॉलीपॉप खा के आता हूँ। अरे यार एविल मटेंट तुम जल्दी से इंसान के लूप में आ जाओ, वरना किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, रुको मैं अभी नॉर्मल हो जाता हूँ। अब्रकडब्रा गिली गिली छू, ये देखो मैं नॉर्मल हो गया। अरे वाह बहुत अच्छे, चलो देखो यहाँ पर एक टैक्सी खली है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चलो इसको उठा लेते हैं। अरे हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उठा लो हम लोग इसके अंदर ही चलेंगे। अरे जला धीले बोलो, किसी ने छुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो चुपचाप से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। अरे हाँ यार बैठता हूँ, लेकिन गाड़ी लेकर कहाँ भाग रहे हो। अरे देखो मैं बैठ गया, चलो अब हम लोग चलते हैं। अरे आ चलो। अरे नहीं ये सुपर हीरो और मटेंट मेरी टैक्सी को लेकर कहाँ पर भाग रहे हैं। अरे यार गाड़ी रोक दो, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँच गए। अरे हाँ यार मुझे पता है, लेकिन तुम यही लुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अरे देखो ये जो खिड़की है ना, इसी वाले जेल के अंदर हमारे बोझ को बंद करके रखा है। अरे बोझ क्या आप मेल को छुन पा रहे हो। अरे हाँ गधे सुन भी पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ। अरे बोझ हम बाहर निकले हैं, आप खिड़की तोल के जेल से बाहर आ जाओ। अरे गधे यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, पहले इन्हें हटाओ। अरे हाँ बोझ रुको मैं कुछ सोचता हूँ, फिर मैं इन पुलिस वालों को यहाँ से हटाता हूँ और आप जेल तोल के बाहर आ जाना। अरे हाँ जो करना है जल्दी करो। अरे यार मैंने तो अभी अपनी गाड़ी भी चेंज कर ली है, और अभी मैं ये वैन लेके आ चुका हूँ, अब तुम्हें जो करना है फटाफट करो। अरे आया रुको मुझे कुछ सोचने दो। अरे वाह एक बहुत गजब का आइडिया आया है, तुम यहीं पर बंदूक लेके खले लेना, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। अरे हाँ अरे प्यारे लाल ये एविल रॉप हीरो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ये जेल तोड़कर ना भाग जाए। अरे बॉस आप टेंशन मत लो, प्यारे लाल के चंगुल से बचना बॉल है तो इम्पॉसिबल। अरे हाँ प्यारे लाल मैं इधर ध्यान रखता हूँ, तुम उधर ध्यान रखो। अरे नहीं यार ये कमिश्नर तो इधर ही आला है, अभी मेल को पूरा छुपा लीलो की जैसे बलताव करना होगा। अरे चलो अभी मैं इसके पास में चलता हूँ। अरे क्या हुआ सुपर हीरो, तुम्हारा इतनी रात को यहाँ पर कैसे आना हुआ। अरे सर मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मैंने देखा एविल रॉप हीरो जेल तोड़ के भाग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, वो जेल कैसे तोड़ सकता है, रुक जाओ मुझे अभी उसे पकड़ना होगा। अरे वाह मुझे लगता है मेरा काम बन गया। अरे नहीं मैं उसे एविल रॉप हीरो को नहीं भागने दूंगा। अरे नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे जरा इधर तो देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अरे आ कमिश्नर अब तेला खेल खत्म, चल चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठ वरना भून डालेंगे। अच्छा तो ये तुम लोगों की चाल थी, अभी तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, लेकिन रॉप हीरो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। अरे ओ कमिश्नर अपनी बकवास बंद कर, चलो अभी हम लोगों को भी यहाँ से चलना चाहिए। अरे हाँ यार बिल्कुल सही कहा, तो चलो
चलो मैं भी अभी गाली के अंदर बैठ जाता हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं प्यारे लाल, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। अरे प्यारे लाल, ये तो सर की आवाज थी। अरे नहीं, वो लोग तो सर को पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर प्यारे लाल के हाथ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मैं अभी सर को बचा कर लाता हूँ। अरे सर आप टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। अरे यार रामू, चल अब चल के खाना खाते हैं, ये कैदी तो यहाँ पर आराम से खड़ा हुआ है। अरे यहाँ गधो, तुम जाओ और जाकर खाना खाओ, मेरे चमचों ने तो सारा काम कर दिया होगा। अरे वाह, बाहर तो एक भी पुलिस वाला नहीं बचा है। अरे तो चलो अब इस जेल को तोड़ने का समय आ गया है। अरे नहीं यार, ये खिड़की तो बड़ी मजबूत है। अरे दम लगा के हईशा, अरे आखिरकार मैंने इस खिड़की को तोड़ दिया। अरे चलो अब बाहर चलने का वक्त आ गया है। अरे वाह, आखिरकार मैं जेल से बाहर आ गया, लेकिन अब मुझे अपने साथियों के पास जाना होगा। अरे चलो एक काम करता हूँ, इन बेवकूफ पुलिस वालों की गाड़ियाँ ही उठा लेता हूँ। अरे वाह रो फिरो, मैं आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने। अरे यार पता नहीं आज मेरी बाई आँख फड़क रही है। अरे रो फिरो, यानी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अयो लेकिन ऐसा क्या होने वाला है। अरे रो फिरो भाई, रो फिरो भाई, आपके इन दोनों दोस्तों सुपर हीरो और मटेंड ने मेरी नई की नई टैक्सी चुरा ली। अरे यार टकला सागर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये दोनों तो सुबह से मेरे साथ में खड़े हैं, फिर ये तुम्हारी टैक्सी कैसे चुरा सकते हैं। अरे रो फिरो भाई, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा, वो ये दोनों ही थे, इन्होंने ही मेरी टैक्सी चुराई है। अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे छोटे, मुझे तो लगता है ये सब उन एविल रो फिरो के दोस्तों का किया धरा है। अरे यार टिप्सन दादा, मुझे भी ऐसा लगता है, तब तो मुझे एविल रो फिरो को देख कर आना होगा। अरे मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा, कहीं वो जेल से भाग ना जाए। अरे यार चलो चलकर इस प्यारे लाल से पूछता हूँ। अरे प्यारे लाल, एक बार देख कर बताओ, क्या एविल रो फिरो अभी भी जेल के अंदर ही है या फिर नहीं। अरे यार वो एविल रो फिरो तो हमारी जेल को तोड़कर भाग गया, और उसने कमिश्नर साहब को भी किडनैप कर लिया, और मैंने उन लोगों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आए। अरे नहीं यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे कैसे भी करके कमिश्नर साहब को उन लोगों से बचाकर लाना होगा, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। अरे वाह मेरे बहादुर साथियों, आखिरकार तुमने मुझे जेल से निकलवा ही लिया। अरे कमिश्नर बोल, अब तेरे साथ में क्या किया जाए। अरे तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, देखना तुम्हें रो फिरो कैसे सबक सिखाएगा। वो तुम तीनों को मार डालेगा, तुम तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अले बोच, ये कमिश्नर बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, आप बोलो तो इसको ठोक डालता हूँ। अरे हाँ बोस, इसने हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब तो इसे मार ही डालना चाहिए। अरे रुक जाओ, अगर कमिश्नर साहब को हाथ भी लगाया तो तीनों को जान से मार डालूंगा। अरे रो फिरो के बच्चे, तू यहाँ पर आ तो गया लेकिन वापस नहीं जाएगा, रुक जा तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अच्छा बच्चू मुझसे चालाकी, अब तो तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें आरपीजी से उड़ा दूंगा। अरे नहीं, इसने तो आरपीजी निकाल लिया, छुप जाओ सभी वरना सबके सब मारे जाएंगे। अरे मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, मेरे को आरपीजी से डर लगता है। अरे हाँ मुझे भी डर लगता है। अरे भागते कहाँ पर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं भागो वरना ये हम सबको मार डालेगा। अरे चलो अब यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं, हम लोग अपने टाउन चलते हैं। अरे हाँ अगर यहाँ पर रुके तो ये रो फिरो में मार डालेगा। अरे ये तीनों तो एक नंबर के डरपोक निकले, ये तो मुझसे डर के भाग गए। अरे वाह रो फिरो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने वाइस टाउन को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया, मैं सरकार से कहकर तुम्हें इनाम दिलाऊंगा। उड़ी बाप रे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की धमाकेदार वीडियो। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी। उड़ी बाप रे, और हाँ आज की इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। उड़ी बाप रे, हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।